ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं। रायपुर और बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री ने आज बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1,29,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 34,55,00,000 रूपये से अधिक की राशि जमा की। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। 2 और 3 सितंबर को 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 31 अगस्त से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं। श्रीमती मुर्मू अपने प्रवास के दौरान रायपुर और बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 31 अगस्त को सुबह 11 बजे विशेष विमान से रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगी। विमानतल पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद श्रीमती मुर्मू जगन्नाथ मंदिर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। यहां से वे शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ करेंगी। इसके बाद श्रीमती मुर्मू महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय का भ्रमण करेंगी। राष्ट्रपति राजभवन में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। रात्रि विश्राम राजभवन में करने के बाद राष्ट्रपति 1 सितंबर को बिलासपुर जाएंगी। यहां वे रतनपुर में महामाया मंदिर में दर्शन करने के बाद बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित 10वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगी। समारोह में 28 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 76 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। बिलासपुर से लौटने के बाद राष्ट्रपति राजभवन में जनजातीय समूहों के साथ चर्चा करेंगी। इसके बाद श्रीमती मुर्मू उसी दिन शाम को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। केंद्र सरकार ने दिहाड़ी भुगतान के नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस के मिश्रित माध्यमों की वैधता इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्पष्ट कर दिया है कि काम के लिए आने वाले हरेक व्यक्ति से आधार संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए, लेकिन इस आधार पर किसी को काम देने से मना नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि यदि कोई लाभार्थी काम की मांग नहीं करता तो ऐसी स्थिति में एबीपीएस प्रणाली से उसकी पात्रता प्रभावित नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि एबीएस प्रणाली सही लाभार्थियों को उनका बकाया भुगतान दिलाने में मदद कर रही है और फर्जी लाभार्थियों को बाहर कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हितग्राहियों को राशि अंतरित की। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री बघेल ने 1,29,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 34,55,00,000 रूपये की राशि जमा की। साथ ही आईटीआई के प्रशिक्षित 82 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। गौरतलब है कि प्रदेश के युवाओं की मांग पर नए ट्रेड में प्रशिक्षित करने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ 36 आईटीआई का उन्नयन किया गया है। पहले चरण में इनमें से 5 आईटीआई का लोकार्पण सितंबर महीने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रखे गए राष्ट्रीय भोजली महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भोजली का पर्व हमारी विशिष्ट छत्तीसगढ़ी संस्कृति है। भोजली मित्रता का उत्सव भी है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार देवगुड़ियों और घोटुल के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पर्व सम्मान निधि और आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना के माध्यम से सरकार स्थानीय उत्सवों को मनाने के लिए सभी पंचायतों को 10,000 रूपये वार्षिक सहायता भी दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर जिले के धार्मिक स्थल चंपारण्य में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपारण्य के रामायण महोत्सव में भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपारण्य को पर्यटन स्थल के अनुरूप विकसित किया जाएगा। श्री बघेल ने कहा कि अधोसंरचना का विकास कर चंपारण्य को इस तरह बनाया जाएगा कि देश विदेश से आने वाले लोग चंपारण्य पहुंचकर सुखद अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती किए जाने से केंद्र सरकार के फैसले का छत्तीसगढ़ सहित देशभर में स्वागत किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के पहले मिली ये राहत बहनों के लिए एक उपहार की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की।
रक्षाबंधन के पर्व के पहले बहनों को बहुत बड़ा उपहार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 33 करोड़ एलपीजी के उपभोक्ताओं को 200 रुपया प्रति सिलेंडर राहत देने का काम किया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी देश की महिलाओं को सम्मान देने के साथ ही उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के विकास, उत्थान और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश के पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कहा कि हम बहनें प्रधानमंत्री को रक्षा सूत्र भेजकर ये कामना करती हैं कि वे आने वाले समय में भी इसी तरह महिलाओं के हित में कदम उठाते रहेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खबर लिहे आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता लिहे हमार वास्ता आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राखी बहन के प्रति भाई के प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उसे मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उपहार देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रायपुर की बहनों ने टीका लगाकर राखी बांधी और उनके लिए मंगल कामनाएं की। राज्यपाल ने बहनों को आशीर्वाद दिया। वहीं बालग्राम और स्कूल की बालिकाओं ने भी राज्यपाल को राखी बांधी। इस मौके पर बालग्राम की बालिकाओं ने मंडला आर्ट पेंटिंग और सेंट जेवियर स्कूल की छात्राओं ने ग्रीटिंग कार्ड और आम का पौधा राज्यपाल को भेंट किया। इधर राजनांदगांव में ब्रह्म कुमारी खैरागढ़ की बहनों ने मलैदा कैंप पहुंचकर ITBP के जवानों को रक्षा सूत्र बांधा। उधर भिलाई के साई कॉलेज में यूथ रेडक्रॉस कमेटी और कॉमर्स तथा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों ने BSF जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस बीच भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई द्वारा रक्षाबंधन त्योहार को स्नेह यात्रा के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान महिला मोर्चा के सदस्य कल 31 अगस्त तक रिक्शा और ऑटो चालक के साथ साथ डिलीवरी बॉयज तथा गैस सिलेंडर वितरित करने वाले लोगों को राखी बांध रही हैं। इसी कड़ी में आज कांकेर में मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने ऑटो चालक और गैस सिलेंडर वितरित करने वाले लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की लॉटरी कल और परसों यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को निकाली जाएगी। इसके बाद स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेगी। गौरतलब है कि दो चरणों में लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी निजी स्कूलों में सीटें खाली रह गई हैं। ऐसी सीटों को भरने के लिए नए आवेदन न लेते हुए शेष बचे आवेदनों पर तीसरे चरण की लॉटरी कराई जाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के खेल मंत्री उमेश पटेल ने रायगढ़ स्टेडियम में 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार की गई सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 24 एक्सीलेंस सेंटर, 9 बोर्डिंग और रेसिडेंशियल एकेडमी हैं, वहीं 7 अन्य निर्माणाधीन हैं। इस मौके पर खेल मंत्री ने रायगढ़ जिले के सिथरा गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विंसेंट लकड़ा को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल से अब कोई व्यक्ति घर बैठे स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस दौरान आवेदक को आधार ऑथेंटिकेशन भी कराना होगा। आवेदन करने के 8 से 10 दिनों के अंदर नए फॉर्मेट का QR कोड आधारित स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के घर पहुंचाकर दिया जाएगा। आवेदक को उनका स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट से भेजने की जानकारी अब SMS और WhatsApp मैसेज से भी दी जाएगी।
गौरतलब है कि पुराने फॉर्मेट का ड्राइविंग लाइसेंस अन्य प्रदेशों या विदेशों में मान्य नहीं है, जबकि स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस अपनी सुरक्षा विशेषताओं के चलते न केवल मजबूत और सुरक्षित है बल्कि एक देश एक कार्ड के तहत संपूर्ण भारत और विदेश में भी मान्य है। अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ भागों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल 31 अगस्त को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 2 और 3 सितंबर को एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 9 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और शिक्षक भर्ती परीक्षा में सहायक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग अब 7 सितंबर को शाम 5 बजे तक होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं। रायपुर और बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री ने आज बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1,29,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 34,55,00,000 रूपये से अधिक की राशि जमा की। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। 2 और 3 सितंबर को एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।